कन्हैया राधानगर गांव में रहता है। एक समय उसके पिता हरिप्रसाद का बहुत बड़ा आलू का व्यापार था। उस समय अपने व्यापार के जरिए हरिप्रसाद ने जितनी आमदनी की थी उन पैसों से ही हरिप्रसाद गरीबों को दान दिया करता था। लेकिन कन्हैया स्वभाव से बिल्कुल अपने पिता के विपरीत है। वो अपने हाथों से किसी को कुछ भी नहीं देता, इसलिए सारे गांव वाले उसकी पीठ पीछे उसे कंजूस कहते हैं। देखो खा पी कर कैसे बड़े आराम से बिस्तर पर सो रहा है। मन करता है कि पकड़ कर इसकी धुलाई कर दूं। क्यों जी, और कितनी देर तक सोएंगे? हाँ, अब के शाम में बाजार जाएंगे। अरे बाबा, बाजार थोड़ी देर से जाने से सब्जियां सस्ती मिलती हैं। हाँ, वैसे भी तो आप बाजार से सड़े हुए बैंगन और गले हुए टमाटर लेके आओगे। भला ऐसा खाना कोई खा सकता है? अरे खाना पकने के बाद तो आपस में मिल जाता है, आखिर सब कुछ जाएगा तो पेट में ही। अगर ससुर जी आज जिंदा होते तो हम लोगों को आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। पता नहीं क्यों आज जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है। मालिक, ओ मालिक, मेरी मदद कीजिए मालिक। तुम कौन हो? मालिक, मैं इसी गांव में रहता हूँ। ओ अच्छा, बात क्या है बताइए। मेरी बेटी की शादी रुक गई है मालिक। लेकिन मेरी शादी तो हो गई है भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको शादी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो। पैसे? मेरे खुद के आधे दिन का इंतजाम नहीं हो पाता, ऊपर से मुझ पर मेरी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी है। जाओ 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 जाओ, अब मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ। अगर आपके पिताजी आज जिंदा होते तो मुझे कभी खाली हाथ नहीं जाने देते मालिक। बहुत बढ़िया, तो फिर तुम मेरे पिताजी के पास ही चले जाओ। चलो निकलो। मालिक, में बिल्कुल भी दया नहीं है। जिसके पिता कर्ण की तरह दानवीर थे, उनका बेटा किस तरह इतना कंजूस निकल गया? उसने तो तुम्हें सिर्फ पैसे उधार नहीं दिए, उसने मेरे साथ क्या किया है जानते हो? क्यों, क्या किया है? एक दिन रास्ते पर भीख मांग रहा था, मेरे पास आकर मुझसे कहता है कि आज तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम आज दोपहर मेरे घर खाने के लिए आ जाना। कंजूस कन्हैया ने तुम्हें खाने पर बुलाया? बाप रे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है भाई। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, उसने मेरे जैसे एक भिखारी को घर बुलाया था। जो भी हो, मैं उसके घर तो चला गया। तो उसने घर बुलाकर क्या खिलाया, ये तो बताओ। अरे वही तो बता रहा हूँ, मेरे वहाँ जाते ही उसने मुझे एक आसन दिया और मैं उस पर बैठ गया। उसके बाद वो अपने हाथ में एक ग्लास पानी लेकर आया और उसके साथ ही एक शीशे की जार में थोड़े से बतासे भी लेकर आया। मुझे लगा इतनी दूर से चलकर आ रहा हूँ, इसीलिए ये सब लेकर आ रहा है। अरे वाह वाह वाह, पहुँचते ही उसने तुम्हें पानी और बताशा दिया। कंजूस कन्हैया ने तो तुम्हारी बहुत आवभगत की। अरे पूरी बात सुन तो लो। बोलो बोलो। उसने मेरे हाथ में एक ग्लास पानी पकड़ा दिया और एक बताशा उस पानी में डुबाया और फिर वापस उसी बताशे को पानी से निकालकर शीशे के जार में रख दिया। क्या? हाँ भाई, और मुझसे कहा कि लो पानी और बताशा पी लो। तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए अगर मैं तुम्हारी आवभगत नहीं करूँगा तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? बताओ, ऐसा करने से भला कल्याण होता है क्या? बताओ। ची, 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 ये तो बहुत बड़ा कंजूस है। अब मैं चलता हूँ भाई, देखूं शायद कहीं और से कुछ पैसे मिल जाए तो। कन्हैया हर किसी के सामने कंजूसी किया करता था, लेकिन खुद अपने घर वालों से छुप छुप कर अच्छा अच्छा खाना खाया करता था। लेकिन उसकी ये आदत उसके घर वाले नहीं जानते थे, लेकिन उसके पिता ऊपर से उसके बारे में सब कुछ जानते थे। सुनिए, मेरी सभी साड़ी पुरानी हो गई है, वो मैं बोल रही थी कि। मैं समझ गया भाग्यवान, सब समझ गया, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ, व्यापार में बहुत हानि हो रही है। कुछ दिनों तक तुम ये बिस्तर की चादर ही पहन कर लपेट लो। उसके बाद फिर सोच समझ कर हम। साड़ी के बदले चादर? रहने दीजिए। पापा,
पापा, मेरी कमीज फट गई है। कहाँ से फटी है? सिलाई करने के बाद अब 2 साल और चलेगी। मैंने बचपन में एक कमीज 10 साल तक पहनी थी, 10 साल तक। सुनो भाग्यवान, कल मैं बाहर जा रहा हूँ, तेल मसाले सोच समझ कर खर्च करना, बेटे के जिद करने पर पूड़ियाँ तलने मत बैठ जाना, समझ गई ना? दिन पर दिन मेरा बेटा और कंजूस होता जा रहा है, इसका कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। ओ भाग्यवान, भाग्यवान, गोपाल, अरे ओ गोपाल, ये क्या, आप शहर नहीं गए, अचानक वापस आ गए? तुम लोगों को छोड़कर वहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं किया, शहर से कुछ अच्छे अच्छे सामान खरीद कर मैं सीधा वापस आ गया। लाइए लाइए पापा, दिखाइए दिखाइए, आप क्या लेकर आए हैं, दिखाइए। ये रही तुम्हारी नई कमीज और कुछ खिलौने। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और ये रही तुम्हारी नई नवेली साड़ी। आपने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है भाग्यवान, मैंने इतने दिनों तक सिर्फ पैसों का मोह किया है, उन्हें देखकर रख दिया करता था, मुझे माफ कर दो भाग्यवान। आप सच में बदल जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। कन्हैया के व्यवहार को इतना बदला देख सभी लोग चौंक गए थे। जो कभी किसी पर 5 रुपए भी खर्च नहीं करता था, उसने अचानक गांव के सभी गरीबों को दान देना शुरू कर दिया था, और उसके घर के बाहर गरीब और लाचार इंसानों की भीड़ लगने लगी। आज से सभी के खाने के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। सारा काम जल्दी पूरा हो गया। ये क्या घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? हैं? ए तुम कौन हो? मैं कन्हैया हूँ। झूठ बोलने के लिए और कोई नहीं मिला? ये मेरे पापा है। चुप, मैं कन्हैया हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। चुप हो जा, यही असली कन्हैया है। हाँ हाँ, यही असली है, असली है। मारो इसे, मारो 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 इसे, छोड़ना नहीं, मारो इसे। देख लूंगा सबको एक एक करके देख लूंगा। रुको तुम लोग। ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है, तुम दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हो। मैं असली कन्हैया हूँ। नहीं, मैं असली कन्हैया हूँ। भाग्यवान, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती। यही असली है, ये भी बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दान करते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कंजूस हूँ, यही मेरी पहचान है। सभी झूठ बोल रहे हैं, जब तुम्हारी खुद की पत्नी और बच्चा ही तुम्हें नहीं पहचान रहे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस नकली कन्हैया ने मेरी जगह लेकर मेरी सारी धन दौलत छीन ली, इसने मेरे बेटे और मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, आज मेरा द्वार, नौकर चाकर सब कुछ इसका हो चुका है, मैं क्यों पिताजी के दिखाए रास्ते पर नहीं चला? ये क्या? ये तो कन्हैया के पिताजी हैं। ये तो कन्हैया के पिताजी हैं। अरे बाप रे, भागो भागो यहाँ से। पिताजी, आप यहाँ? हाँ मैं। ये सारी संपत्ति मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, तुम सिर्फ इसका आनंद लेते रहे हो। इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुम्हारा लालच खत्म नहीं हो रहा है। मेरे बहू, पोते, गांव वालों और लाचार इंसानों को तुमने सभी को ठगा है। जी, ये क्या तुमने अपने परिवार के साथ ऐसा बर्ताव किया? पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे, पत्नी, परिवार, गांव वालों सभी को वापस पाना चाहता हूं। मैं सभी का प्यार पाना चाहता हूं। ठीक है, मेरी बहू और पोते का ख्याल रखना, हमेशा दान करना, वरना मैं अगली बार आकर सारी संपत्ति दान कर दूंगा, समझे? ऐसा ही करूंगा पिताजी। उस दिन के बाद से कन्हैया पूरी तरह बदल जाता है, उसे ये समझ आ जाता है कि पैसों से भी ज्यादा कीमती परिवार वालों की खुशी, प्यार और गरीबों का आशीर्वाद होता है,
उसके बाद से गांव वाले भी उसे कंजूस कन्हैया बोलना बंद कर देते हैं।